2003 में हमने ये जो सिलसिला है, बहुत ही सुखद सिलसिला जो है हमारा, उसकी शुरुआत की। और 2003 से अभी 16 साल हो गए, तो 16 साल से हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। गणपति बप्पा काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो इस बार का क्या थीम? पहली बात, इसका जो श्रेय है वो मेरी माँ को जाएगा। मेरी माँ हमेशा से गणेश उत्सव को लेकर बहुत ही उत्सुक रहती है, बहुत ही एक्साइटेड रहती है और बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, तो वो हमेशा कुछ थीम डिसाइड करते हैं। इस टाइम हमारा थीम था ग्रीन कलर, बिकॉज एज़ वी नो एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चीज़ें हो रहे हैं, ऐसे हादसे हो रहे हैं विच वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ एज ह्यूमंस, तो इट्स लिटरली गोइंग ग्रीन एंड इको फ्रेंडली, जितना जितना ज़्यादा हो सके इको फ्रेंडली उतना करने की हम कोशिश करते हैं। तो इस बार जैसे हमारे मूर्ति भी है, पिछले 16 सालों से ये मार्बल के हैं, तो गणेश उत्सव के टाइम पे हम उनको लाते हैं यहाँ पे हमारे लिविंग रूम में, उनकी स्थापना होती है, उनकी आरती होती है, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और फिर डेढ़ दिन के बाद हम इसी मूर्ति को हमारे टेम्पल में रखते हैं और विसर्जन जो होता है इस नारियल का होता है, जिनकी हम साथ साथ में पूजा करते हैं। तो दैट्स हाउ वी आर सेविंग द एनवायरनमेंट और प्रकृति के लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। एज ह्यूमन बींग्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे देश को, हमारे इस जहान को बचा के रखें। तो गणेश जी को प्यार भी दिखाओ पर अपने हिंदुस्तान, अपने देश, अपने वर्ल्ड को भी उतना ही प्यार दिखाएं। गणेश पूजा में सबसे खास बात आपको कौन सी लगती है? मुझे आरती जो होती है ना वो कमाल की लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो माहौल होता है, सारे हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे यार मित्र सब घर पे आते हैं, साथ में हम उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, आरती करते हैं, प्यार वाली बातें होती है, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये एक हमारा जो होता है जो सिलसिला वो बहुत ही सुखद होता है और बहुत ही एक्साइटिंग लगता है हमें। गणेश पूजा पे कोई ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें? गणेश 2004 की बात है, हमारे घर पे गणेश जी थे और तब मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक थी, तो वो रूम में थे, उनको वो थोड़े से बीमार थे और माय मॉम, मेरी माँ जो है उनको उनको अटेंड करना था, मेरे डैड उसमें मशहूर थे, तो मेरी बहन और मैंने सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ली और हमने सारी आरतियाँ की, हमने सारे गेस्ट्स को संभाला, हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो वो जो एक मेमोरी है हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर अनवेल थे और पूजा के बाद और डेढ़ दिन समाप्त होने के बाद मेरे दादू झट से ठीक हो गए, तो वी अंडरस्टूड दैट गणेश जी का जो पावर है, गणेश जी की जो मैजिक है वो बेमिसाल है। सब लोग गणपति बप्पा से मन्नत मांगते हैं, सो इस बार आपने क्या मांगा? आपको बता दूँ, बतानी चाहिए, आप ही बोलो, अगर आपने मानी होती, मांगी होती कोई मन्नत आप मुझे बता दें। सो बताते आप तो मैं बता दूंगा। अच्छा चलो एक बता देता हूँ, मेरी जो पहली फिल्म है उस पर हमने बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही, मैं बताऊंगा कि बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के साथ हमने फिल्म बनाई है, तो बस ऑडियंस मालिक है, जो जनता है वो जनार्दन है, तो अगर उनको फिल्म अच्छी लगे तो बेस्ट चीज़ रहेगी हमारे लिए, तो बस यही हमारी मनोकामना है कि लोगों को ये फिल्म कमाल की लगे, उससे ठीक से वो अब्सॉर्ब कर सके, उसको रिस्पॉन्ड कर सके और सब कुशल मंगल रहे। लास्टली आप अपने ऑडियंस को क्या बोलना चाहें? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो प्रेम और जो मोहब्बत मेरे फैमिली ने, मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे ग्रैंड अंकल्स ने फिल्म इंडस्ट्री को दी है, जो मेरे फादर ने फिल्म इंडस्ट्री को दी है, उसे मैच करना होगा मुझे, उसी प्रेम को जो ऑडियंस ने मेरे फैमिली को भी दी है उसको लौटाना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, आपके सामने मेरे जो मनपसंद स्टोरीज है उनको प्रेजेंट करना होगा, बेहतरीन कहानियाँ आपको प्रस्तुत करनी होगी, और अभिनेता हूँ मैं तो आपका मनोरंजन करना है, आपको बहुत ही मोहब्बत देनी है, प्यार देना है, तो ये मेरी कोशिश रहेगी और मैं चाहूँगा कि मैं मरते दम तक एक एंटरटेनर बना रहूँ और आपको खुश कर सकूँ। थैंक यू।